उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में 19 फरवरी को थाना कैंट क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में फायरिंग रेंज के पीछे हत्या के प्रयास व लूट की घटना के फरार चल रहे दो अपराधियों को आज कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उक्त सनसनीखेज घटना में गौरव सिंह उर्फ मोनू तथा निखिल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी तथा सीओ कैंट द्वारा क्राइम ब्रांच व पुलिस टीम गठित की गई थी। गठित टीमों द्वारा वांछित अपराधियों की तलाश में चंदौली, बिहार सहित विभिन्न जगहों पर दबिश दी जा रही थी कि आज मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना के दोनों आरोपियों को कैंटोनमेंट क्षेत्र से पुलिस ने 32 बोर के एक पिस्टल व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला? कैंट थाना में फुलवरिया क्षेत्र में 19 फरवरी की रात को एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस कई दिनों से उस पर काम कर रही थी और उसमें घटना का खुलासा करते हुए कैंट पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गौरव सिंह उर्फ मोनू और निखिल सिंह शामिल रहे हैं। इसमें गौरव सिंह का इससे पहले अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसमें उससे पहले भी वो दो बार गोलियां चला चुका है 2015 और 2016 में, और इसके अलावा चोरी और लूट की भी कई वारदातों में वो शामिल रहा है। वजह क्या थी सर गोली चलाने की? वजह इनका आपसी जुआ हुआ खेलने को लेकर कोई झगड़ा था वसूली के चक्कर में। जुआ जो खेलते थे उनसे वो छोटा मोटा कुछ पैसा लेने का इस तरह का हरकतें करता।